नमस्कार, मैं कृष कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिटलर कैसे बनता है दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हिटलर था कौन। हिटलर 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जब उसने जर्मनी की तरफ से, जर्मन आर्मी की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया, जिसमें जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार जाती है, जिसका सबसे बड़ा दुख होता है हिटलर को। उसके बाद हिटलर आर्मी को छोड़ देता है। हिटलर एक बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर सेनानी था। वो इतना ताकतवर था, उसकी वीरता को देखते हुए उसको बहुत सारे मेडल मिले थे। उसके बाद वो आर्मी को छोड़ देता है। आर्मी को छोड़ने के बाद वो एक पार्टी ज्वाइन करता है, जर्मन की एक पार्टी ज्वाइन करता है वो, जिसका नाम था नेशनल जर्मन सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी को ज्वाइन करता है हिटलर। उसके बाद धीरे धीरे करके वो इस पार्टी का हेड बन जाता है, और यही पार्टी आगे जाके कहलाती है नाजी पार्टी एंड द रूल ऑफ नाजीज्म। उसके बाद जब हिटलर उसका हेड बन जाता है, उसके बाद वो लोगों से वोट मांगता है। पहली बार जब इलेक्शन होते हैं, जब वो बुरी तरीके से हार जाता है, उसके बाद वो लोगों को बहुत प्रॉमिस करता है। वो लोगों को प्रॉमिस करता है कि मैं राइनलैंड को ले आऊँगा, मैं जो भी हमसे छीन लिया गया है, जो भी हमसे रिसोर्स छीन लिया गया है, हमारे ऊपर जो टैक्स आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द्वारा, वो सब कुछ ले आऊँगा। मैं एम्प्लॉयमेंट ले आऊँगा, मैं अनएम्प्लॉयमेंट को हटा दूंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट ले आऊँगा। ऐसे में बहुत सारे वादे करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, उसके वजह से उसको लोग उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसको वोट देते हैं। उसके बाद वहाँ का वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद प्रेसिडेंट था उस वहाँ का, उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था हिडनबर्ग। हिडनबर्ग हिटलर को चांसलरशिप दे देता है, जिसके बाद हिटलर बन जाता है वहाँ का तानाशाह। उसके बाद हिटलर पार्लियामेंट में आग लगवा देता है। उसके बाद पास होता है एनेबलिंग एक्ट। ये वही एनेबलिंग एक्ट है जिससे जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ जाती है। उसके बाद हिटलर लोगों से सारे सिविल राइट्स छीन लेता है, जैसे कि राइट टू स्पीच एक्सेट्रा। ऐसे वो सारे सिविल राइट्स को छीन लेते हैं, बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। यहीं से शुरू होता है उसकी तानाशाही का जिक्र। अब यहाँ हमारा वीडियो का मेन मकसद क्या था कि हिटलर तानाशाह कैसे बना, हो चुका है पूरा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे देखेंगे कि हिटलर की मौत कैसे हुई। तब तक के लिए धन्यवाद।